अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन सॉसेज। इसके लिए मैंने लिया है हाफ के जी चिकन ब्रेस्ट कीमा। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई सब्ज मिर्च, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून हुशक धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून ऑयल। अब मैं इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं प्लास्टिक शीट पर ऑयल लगाकर इसे कुछ इस तरह से कवर करूंगी। इन चिकन सॉसेज को आप ज़्यादा मिकदार में बनाकर फ्रीज़र में 30 दिन के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं और जब कभी ज़रूरत हो तो निकाल कर आप फ्राई कर लें। इन्हें 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में डिप करूंगी। अब मैं इनको खोल लूंगी। अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। मज़ेदार चिकन सॉसेज तैयार है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।